और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से, जहां पर सियासी फायदा लेने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, उपचुनाव में दो जिलों से कर्ज माफी की तैयारी, मुरैना और आगर में होना है विधानसभा उपचुनाव। दोनों जिलों के 22,000 किसानों को होना है कर्ज माफ। वित्त विभाग जल्द ही 250 करोड़ की देगा मंजूरी, 31 मार्च से पहले कर्ज माफी करने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं भोपाल से। हमारे सहयोगी सनी मालवी हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। सनी, जोरा और आगर मालवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरकार ने कमर कस ली है और अब इसका सियासी फायदा लेने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। दोनों ही जिलों में कर्ज माफी की तैयारी। जी बिल्कुल, मैं श्वेता जी आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार जोरा और आगर विधानसभा चुनाव से पहले मुरैना और आगर के किसानों को कर्जा माफ करने में जुट गई है और दोनों जिलों के लगभग 22,000 किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ होना है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए वित्त विभाग में जल्दी 200 करोड़ की मंजूरी दे सकता है। इसके बाद पात्र किसानों को कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मार्च से पहले कर्ज माफी के पूरे प्रकरण निपटा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से लगातार आगर और दौरान में जो अभी उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर सियासी फायदे की तैयारी कांग्रेस कर रही है और इसको लेकर पूरे कर्ज माफी की जो प्रक्रिया थी वो छूट गई थी, इसको वही वो पूरा करने जा रही है। कांग्रेस में इसमें सारी श्रद्धा देख रही है। आगर जिले में आगर सीट के बीजेपी विधायक मनोहर वर्धवाल के निधन से तो मुरैना जिले की जोरा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन कारण रिक्त हुई है। बहुमत से सिर्फ 2 अंक दूर कांग्रेस की दोनों सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत बनने की कोशिश में है। उधर बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जीत की तैयारी में जुट गई है और कर्ज माफी को मुद्दा बना सकती है। बिल्कुल सनी, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे थे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन है। जी, मनमाने ढंग से काम करने का आरोप यहां पर बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। विरोध में पूर्व मंत्री आज जवाहर चौक पर धरना भी देंगे। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कल जहां नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने समीक्षा की थी, तो वहीं आज बीजेपी इसके कामों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में। जी बिल्कुल ऋषिकेश, स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जहाँ स्मार्ट सिटी में लगातार जो हरियाली थी क्षेत्र में पूरी हरियाली पेड़ काट दिए गए हैं और पेड़ के कारण पूरा नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और उसको उनको विस्थापन नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी लगातार अब प्रदर्शन करने जा रही है और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप भी लगाया है बीजेपी। और बीजेपी के विरोध में पूर्व मंत्री आए राजधानी में जवाहर चौक पर धरना देंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।